तो गाइस आज वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हैं हम अपने प्यारे से उस वाले वर्ल्ड में जो कि था सैक्रिफाइस्ड फॉर बीस्ट बॉय शो। तो आज वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड यार ये सबसे प्यारा सबसे अच्छा जगह है। तुम्हें ये भी पता है कि बीस्ट बॉय शो का एम कम्प्लीट हो चुका है तो ये प्यारी सी सीरीज वो भी शुरू करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे थोड़े बचे हुए काम जो थे इस विलेज के उसको भी आज हम लोग कम्प्लीट करें। और आज हूँ मैं अपने न्यू अपडेट में जो कि है माइनक्राफ्ट का, जिसमें हम लोगों को नेदरराइट देखने को मिलता है, नेदरराइट आर्मर्स देखने को मिलते हैं। तो यार आज का एडवेंचर बहुत ज्यादा भरा होने वाला है। गाइस आज हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे उस वाले वर्ल्ड में जो कि बहुत ही प्यारा है, लेकिन मैं इसको शेडर्स पैक के साथ नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है इस न्यू अपडेट में हम लोग शेडर पैक नहीं लगा सकते। तो गाइस सबसे पहले आज मुझे थोड़े से अपने बचे खुचे काम करने इस वर्ल्ड के, जो कि मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो आज वो सारी चीजें करने वाले हम लोग, और क्या पता ये सीरीज भी हम लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा सीक्रेट चेस्ट है और ये देखो ये चेन में गिंग्स और ये वाला चेस्ट प्लेट, मुझे ये वाला चेन मेल वाले सारी चीजें तब मिली थी जब यहाँ पे हमारा ऐसे पीछे साइड में बहुत बड़ा विलेजर्स का जगह था जहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स रहते थे, लेकिन अब उनमें से कोई नहीं है। तो यार ये चेन मेल वाली चीजें मैंने उनकी यादों में बचा के रखी है, तो आई थिंक कि इनका भी कुछ यूज होना चाहिए। और अब जैसा कि मुझे लगता है कि हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरे सारे एनिमल्स थे वो वापस से आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे नीचे और अपना सबसे ज़रूरी काम करते हैं। ये लो काजू कतली है तुम्हारे लिए, मुझे पता है मैं तुमसे मिलने बहुत दिनों से नहीं आया और तुम मुझसे नाराज़ हो, और तुम लोग देख सकते हो ये मुझसे कितने ज़्यादा नाराज़ है, बोल भी नहीं रही। ये देखो इसकी आवाज़ें तुम लोग सुन सकते हो एंड ये खरी भी नहीं हो रही, सो सैड फॉर मी। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ तुम लोगों से यार। ओके तो मुझे पेड़ नहीं मिल रहे थे और मैं काफ़ी दिनों से इन सभी वर्ल्ड में आया नहीं हूँ, तो यार मुझे इधर आना पड़ा न्यू पेड़ों को काटने के लिए। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी काट के चलता हूँ फिर से वहाँ पे। अब मैंने जो ये करा है इसके बाद तुम लोग कमेंट में जाके ऐसा नहीं बोलना कि ये तो गलत बात है। ओके तो सबसे पहले मैंने ये बैनर लगाया है क्योंकि मेरे घर पे कुछ भी नहीं है और कुछ स्पेशल होना चाहिए। और अब बारी आती है हमारे मेन चीज की, तो ये बन गया हमारा आइटम फ्रेम। और अब इसके साथ मैं जो करने वाला हूँ वो तुम्हें पता है शायद, अरे मैं नीचे क्यों गिर गया। ओके तो हम लोग चलते हैं हमारे उस सीक्रेट जगह पे, और यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे कहाँ पे लगाना चाहिए हमें इसको। ओके तो हम लोग यहाँ पे उड़ के आते हैं और यहाँ पे हमारा एक विलेजर ऑलरेडी स्पॉन्ड है, मैंने बचा के रखा, बाकी सारे विलेजर तो चले गए। तो इसके पास यहाँ पे इसको हम लोग रखेंगे, और ये है एक निशानी जो कि हमारे विलेज का एक झंडा कह लेते हैं अभी के लिए, जो भी हो, जो कि हमें प्रूव करता है कि हम लोग भी एक दिन बहुत बड़े लोग थे, जहाँ पे पूरा परिवार था, वो एक हरा भरा जगह था जहाँ पे सब लोग सब कोई थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। गाइस तो अभी मैंने एक चीज़ देखा है जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो वो दुख को भी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं थोड़े से आयरन्स लेने वाला हूँ अपने साथ। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये वाला जो हमारे पास गोलेम है ये कौन है, तो ये हमारा वो वाला गोलेम है जो, अरे इसको मार कौन रहा है, जो कि हमारे साथ गया था एंड में फाइट करने के लिए। यस ये वही पंपकिन है जिसको मैंने काट कर बनाया था और लेके गया था मैं एंड में फाइट करने के लिए, और ये टूटा हुआ है। ओके नहीं टूटा हुआ है क्या? ओके तो ये वो वाला गोलेम है, तो इसको सबसे ज़्यादा इज्जत से रहने का पावर ज़रूर मिलना चाहिए, तो हम लोग इसे एक नाम देने जा रहे हैं। ओके तो ये है मेरा फिशिंग वाला जगह जहाँ से मैंने बहुत सारे काम की चीज़ें निकाली, आप लोग ने पहले सीरीज को देखा होगा तो पता होगा। एंड यहाँ पे नेम टैग मेरे पास बहुत सारे पड़े होंगे, लेट मी चेक इट आउट। नेम टैग आखिर कहा हो तुम, नेम टैग मेरे पास नेम टैग्स नहीं है क्या? ओके दो नेम टैग मुझे मिल गया। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं अपने लाइट्रा से उड़ते हुए। यार ये कितना प्यारा है सब कुछ, एट द एंड हमारे पास सारा कुछ है इस गेम में। यहाँ पे मैंने दो नेम टैग बना लिए गाइस, लेकिन दो क्यों अब तुम लोग भी वो सोच रहे होगे, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये कौन सा है, ये है बाहुबली विथ एन स्माइल, आई डोंट नो ये मैंने क्यों करा बट ये अच्छा लग रहा था। तो बाहुबली आज आपका दिन आ चुका है, आपको मिलता है, सॉरी ये आई डोंट नो मैंने ये क्यों करा, मुझे माफ़ कर देना। तो ये लो आज से तुम यहाँ के, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ ये मैं, प्लीज़। ओके मैंने इसको बना दिया इससे एंड हट जाओ। ओके तो हमारा बाहुबली आज से पता नहीं। और ये जो दूसरा नेम है वो है पीकू, जो कि आपको लग रहा होगा किसके लिए, लेकिन नहीं 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 नहीं, ही डोंट डिजर्व इट। ए अंदर ही रह ले, कहाँ रहे बाहर। ओके तो अब तुम्हें लेकर चलता हूँ हमारे बहुत प्यारे से पेट के पास, जो कि आने के बाद उसके मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड गेम हमारा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो सबसे पहले मैं इसके लिए थोड़े से खाना तोड़ देता हूँ, और ये देखो कितना क्यूट से खाएगा, खा लो खा लो खा लो खा लो। तो ये एक नेम डिजर्व करता है और इसका नाम होने वाला है पीकू,
येलो हमारे पीकू। अरे नाम दिख जा, दिख क्यों नहीं रहा? ओके ओके, तो अब इसका नाम दिख रहा है पीकू। ये देखो ये कितना प्यारा पांडा है ना। अब इसका फ्रेंड भी नहीं आया, आई होप कि शायद हम लोग इसमें इसका एक फ्रेंड ला के इसे दे दे। तो आई थिंक जितना भी मैंने वर्ल्ड में सबके साथ गलत करा इस सब चीजों के बाद ये मेरे से हैप्पी होंगे। यप, इसको छोड़ के लेकिन हैप्पी होंगे। और हमारा चमुआ, हम इसे कैसे भूल सकते यार, तुम तो भाई तुम ही हो यार बस एक। लेकिन इसके साथ मैं एडवेंचर्स पे बहुत ज्यादा ही कम गया, लेकिन आई होप कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, बस इसी तरह कनेक्टेड रहेंगे। तो अब गाइस वो वक्त आ चुका है सीरियस वाले फाइट का, जो कि है नेदर में जाके नेदराइट्स एंड ऑल द थिंग्स ढूंढने का। आई डोंट नो। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ रखने वाले, लिटरली सब कुछ। हम लोग कुछ लेके नहीं जाएंगे क्योंकि नेदर हमारा नेदर है, या यू नो लाइक, सो वी आर नॉट गोना टेक एनी रिस्क। मैं यहाँ पे अपने सारे आर्मर्स और शील्ड भी खोलने वाला हूँ क्योंकि या दिस इज रियली पावरफुल। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब भी मेरे फालतू में वेस्ट हो जाएं। ओके, तो मैं यहाँ से एक आर्मर मतलब इसका आर्मर का पूरा चीजें ले लेता हूँ। अरे तुम आ चुके ऑलरेडी, तुम जाओ। और ये तो यहाँ पे गाइज हम लोग रेडी है। और यहाँ पे जो हमारे पास फालतू की चीजें, लेकिन हमारे पास एक और डायमंड का स्वॉर्ड था जो कि बैडेस्ट था, और एक पिकैक्स ऑब्वियसली यू नो। बट हम लोग ये सब नहीं लेके जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे स्वॉर्ड ये वाला नहीं, बट अनब्रेकिंग 3 और पावर 3। ओके, हम लोग ये वाला बो लेकर जा सकते हैं। ओके, तो मैं इनको पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके देयर यू गो। तो अब मेरे पास एक मिनट यहाँ पे अनब्रेकिंग 3, फायर प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3। एक काम करता हूँ, अनब्रेकिंग 3 और फायर प्रोटेक्शन है ना, फायर प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली जरूरी है। इस पर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी नेदर में, तो मैंने इसको तो ले लिया। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले थे, हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से डायमंड्स लेते हैं और ढेर सारे स्टिक्स बनाते हैं। एंड तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अभी हम लोग यहाँ से ले, अरे ये क्या हो गया। ओके, हम लोग यहाँ से हम लोग लेंगे एक न्यू पिकैक्स, एक न्यू ब्रांड न्यू पिकैक्स डायमंड का, और एक न्यू हम लोग लेंगे स्वॉर्ड। तो हम लोग ये सब ले लेंगे। एंड अभी मैं इसको एन्चेंट भी करने वाला हूँ न्यू फीचर्स के साथ, एंड फिर हम लोग जाएंगे नेदर में पूरे तैयारी के साथ ऑब्वियसली। सबसे पहले मैं इसको कंबाइन करने वाला हूँ एक अच्छे बो के साथ, 11 कॉस्ट, या फिर मैं इसको इधर ले आऊं। ओके, 2 कॉस्ट, देयर यू गो। तो ये भी मेरा रेडी हो चुका है। एंड मैं यहाँ से बहुत सारे बोज ले लूं, कहाँ पे होंगे बो। ओके, तो एन्चेंटमेंट के लिए मुझे सबसे ज्यादा चाहिए लेवल, और तुम्हें तो पता ही हमारा एक्सपी फार्म के, मैं भूल गया था कि मेरे पास वो नहीं है इलाइट्रा, मैं खाना लेकर आता हूँ। वेट, ओ ये क्या हुआ यार, इतना मुश्किल से ऊपर गया था। अरे लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, मैं भी ना मतलब मैं पूरा पागल ही हूँ। इधर जब मैंने ये रास्ता बनाया हुआ है अंदर जाने का, तो मैं वो क्यों कर रहा था, नहीं मतलब सीरियसली। हेलो गाइस, मेरे एक्सपी फार्म, कैसे हो तुम लोग, मैं आ गया वापस से। आओ, ये टूटा हुआ है क्या? नहीं 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 टूटा हुआ है। ओके, इसके नीचे कुछ होना चाहिए था मेरे ख्याल से, नहीं तो ये लोग नीचे आ जाएंगे। ओके, तो हियर यू गो, अब हमारा एक्सपी फार्म वर्क करना शुरू कर चुका है। ओ जल्दी जल्दी, अरे खुद से मत मरो, मुझे एक्सपी देकर मरो यार। पता नहीं क्यों बट ये हार्ड मोड में बहुत स्लो था। अभी मैंने इसको फिर से नॉर्मल करा, ये जल्दी जल्दी आने लगा। सो वी आर गोइंग टू प्ले इट इन नॉर्मल। और यहाँ भी मतलब खेलना तो नॉर्मल में ही था, बट यहाँ भी हम लोग ऐसे ही खेलने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे मेरी 2 बो, एक ये। ओके, ये सब तो बहुत फायदा होता है यहाँ पे। ओके गाइस लेट्स गो, आई थिंक 15 विल बी इनफ। हम लोग जाके एन्चेंटमेंट अपनी शुरू करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या मिलता है यार। ए गिरना मत। ओके हे यू गो, सो चलो देखते हैं गाइस, आई होप कि कुछ अच्छा सा मिल जाए मुझे। एंड मैं खुद से एक्चुअली देखने वाला, मेरे को देखने तो कौन कौन सा है। अगर मुझे अपने स्वॉर्ड पे चाहिए तो आई थिंक मेरे स्वॉर्ड पे होना चाहिए नॉकबैक 1, नॉकबैक 2, फायर प्रोटेक्शन 4। फायर प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, बट मैं अभी उन सभी चीज़ों को एन्चेंट नहीं करने वाला। तो आई थिंक पहले फॉर्च्यून 2, भाई सीरियसली नहीं चाहिए। पावर 4, शार्पनेस 3, मल्टी शॉट, शार्पनेस 1। एक बार पहले मैं देखता हूँ मेरे को डायरेक्टली क्या क्या मिल रहा है। ओके, एंड उसके बाद तो हम लोग बुक्स लगा ही सकते हैं, सो लेट्स गो। अरे लैपिस इधर होना चाहिए ना, बंद कर दिया, मुझे लैपिस लाजुली लेने वापस जाना पड़ेगा। ओके हेयर यू गो, तुम लोग आ चुके, और अब मुझे देखना है कि मुझे ऑफर्स क्या मिल रहा है। अगर मैं डायमंड पिकैक्स एक्स रखता हूँ
तो लेवल कितना चाहिए इसके लिए? लेवल 13। ओके 13 मेरे पास है। बेन ऑफ एर्थोपॉड्स 2, फायर एस्पेक्ट 1। अरे 30 लेवल पे शार्पनेस 4 मिल रहा है, एंड डायमंड पिकेक्स पे पहले क्या मिल रहा है? एफिशिएंसी 2 एंड एफिशिएंसी 2। ओके आई थिंक एफिशिएंसी 2 मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तोड़ने में ही काम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे यही चाहिए सबसे पहले। सो हियर यू गो, मेरे को एफिशिएंसी 2 मिल गई है। और डायमंड स्वॉर्ड पे मुझे अब क्या मिल रहा है? नॉक बैक 1 और ब्रेकिंग 1। आई थिंक नॉक बैक 1 विल बी ओके, एंड इधर मुझे बहुत ज़्यादा लगने वाला है नॉक बैक 1 के लिए, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। तो आई थिंक कि अगर मैं अपने इससे करूँगा, क्या कहते हैं हमारे इसको, क्या कहते हैं, रिपेयर एंड नेम, मैं भूल गया सीरियसली नेम, नॉकबैक 1 यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को कम लगना चाहिए। ओके तो लेट्स सी यहाँ पे मुझे कितना दाम बोलते हैं ये लोग। हेयर यू गो एंड हेयर यू गो 1, सीरियसली नॉकबैक 2 का कितना लेंगे फिर ये लोग? मेरे को फायर प्रोटेक्शन 4 मेरा वेस्ट हो जाएगा, बट कोई नहीं, लेट मी सी फायर प्रोटेक्शन 4 आखिर अब हम रख के करेंगे क्या, बात तो है। ओके हेयर यू गो 2 कॉस्ट। ओके नॉकबैक 2 मैं यहाँ पे इस पे ले रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस अब सब कुछ हो ही चुका है, तो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ पूरी तैयारी करने के बाद हमारे नेदर में जाने की। ओके गाइस सो आई थिंक आई एम टोटली रेडी फॉर दिस कि हम लोग जाएँ हमारे नेदर में। और यहाँ पे मैं एक मग ऑफ वाटर भी लेने वाला हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि नेदर में तो वैसे काम करता नहीं है, बट स्टिल हम लोग ले लेते हैं, क्या पता कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गई। और मेरे को देखने दो और कुछ जो काम आ सकता है मेरे, थोड़े मोरे ब्लॉक्स वो तो मिल जाएंगे वहाँ पे, बट फिर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, क्या पता कुछ हुआ तो। ओके मेरे पास यहाँ पे जंगल प्लैंक्स थे 63 जो कि मैंने ले लिया है, यहाँ पे इसको रखो। और चलो गाइस द टाइम हैज़ कम, हम लोग चलते और देखते। और मैंने यहाँ पे कुछ गोल्ड लिए विद गोल्डन एप्पल। गोल्ड मैंने इसलिए लिया कि हमारे जो न्यू टाइप के जानवर हैं, मैंने सुना है कि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी कि अगर हम लोग उन्हें ट्रेड करें तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मैं उन्हें यहां पे देता हूं हमारे गोल्ड तो वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। सो यार ये पता नहीं, ये शायद र्यूमर भी हो सकता है, बट लेट्स सी, लेट्स गो टू नेदर बॉयज फाइनली। हाय पिगमेंस, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, ये पिगमेंस नहीं है क्या? एक मिनट, अगर मैं इन्हें गोल्ड दूं तो, मैंने इनको गोल्ड दे दिया बट ये गोल्ड ले नहीं रहे। नहीं, ये पिगमेंट शायद वो वाले सिंपल वाले पिगमेंट है जो कि चेंज हो चुका है। मैं जब विलेजर की आवाज़ आई, वेट व्हाट, ओ ओ ये मारेगा क्या मुझे? ये क्यों मेरे पास आ रहा है? ओ ओ भाई भाई क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सर सर सर, ये लो ये लो ये लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो भाई। ये भाई, ये क्या है? मेरे को वापस दे दिया, मार रहा है। ये ले भाई, ले ले, मत मार यार, ये क्या है? ये मेरे को लगा भाई ये प्रोटेक्ट करेगा, ये कैसा इंसान है यार, बुरा लगता है यार। ये दौड़ कर आ गया भाई मारने। ओके वो खुश है, वो जा रहा है यार। ये नेदर कुछ ज्यादा डेंजर है। ओए ए भाई यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमसे यार? ये भाई 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 भाई, अगर इसको मैं मार दूंगा तो ये पिगमेंट्स भी शायद मुझे मारने लगेंगे। मतलब इसने शायद देख लिया है कि मेरे पास इतने सारे गोल्ड हैं तो ये मुझे मार रहे हैं। यार मुझे सीरियसली लगा था कि अगर मैं इन्हें ट्रेड करूंगा तो ये मेरे से दोस्ती कर ले। ए ए ए, मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, ए सॉरी, गलती से उठ गई यार ये। ए भाई 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 भाई, राजा जान देना। ओके वेरी गुड, वाह, वो मेरा सारा सामान लूट लेगा। नो 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 नो, प्लीज 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 भाई मेरे, ऐसा मत करियो यार, अगर ऐसा होने वाला है तो यार मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ओ हेलो सर, आप मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, अगर मेरा सामान चोरी हुआ ना तो आप मार दिए जाओगे। मजाक कर रहा था, मजाक कर। ओके सीरियसली अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा ऑलरेडी आ चुका है, अब वो नहीं बचने वाला गाइस। नाउ ही इज गोन, अब मैं नहीं जानता, इवन मेरे पूरे नेदर वासियों से भी, वासियो वासियो सीरियसली, ओ भाई अभी भी आवाज आ रही है, वासियों से भी लड़ाई हो जाए फिर भी मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओए मोटे भालू किधर है, मेरा सामान दे सबसे पहले। और ओके ओए अब तेरा बहुत हो रहा, ठीक है अब तेरा, ओए साले साले क्या है, क्या है, क्या तुरंत आया उठा लिया? नहीं नहीं बता बता क्या दिक्कत है तेरे को, बता बता बता, हमसे पंगे, हमसे पंगे हैं, हमसे पंगे। भाई इसकी कितनी हेल्थ है यार, ये मर के रहेगा अभी ये। हेलो ए, ये पिगमेंट्स आज मेरे पास क्यों आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं अब लर ले। ओए नहीं नहीं नहीं, ओके ओए बच बच गया बच गया। ओए आग कैसे लग गई यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है इस नेदर में यार, मरने वाला हूं। यार मेरे आर्मर्स भी नहीं मिले। ओके यहाँ पे कुछ आर्मर। ओ हेलो सर, ये मेरे साथ इधर आ गया, मैं अपना आर्मर ढूंढ रहा हूँ, मेरा आर्मर और शायद बाहर ही है। एंड यार ये मुझे दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है भाई,
मेरे को लिटरली पता है फील वो वाली थी कि मैं ऐसा कहूंगा, ए भाई चल ये ले मेरे तरफ से, और वो खुश हो जाएगा, यार भाई मार मार के छीन रहा है यार, बुरा लगता है यार, आप लोग जानते हो यार। आओ सर, ओए विलेजर तू यहाँ पे कितने सालों से अटका है, पनिशमेंट झेल रहा है बेचारा, कोई नहीं। ओए ओए साले ये क्या है, मेरा छोड़ छोड़ छोड़, मेरे से चुराता है, मर तो गया ये, बट मेरा आर्मर का है यार। ओके ये रहा मेरा आधा आर्मर तो इस साइड पे। एंड यार जिसने भी ये अफवाह फैलाई थी ना कि वो अच्छा बंदा है, तुम बहुत गलत इंसान हो यार, बहुत गलत हो, मुझे लगा तो प्रोटेक्ट करेगा अगर मैं उसे देने वाला हूँ, सीरियसली। सो हियर यू गो। तो गाइस अब हम लोग एकदम आराम से एकदम प्यार से सारा कदम उठाने वाले हैं। ओके फिर से वो आ गई, पहले उसको मैं मार दूँ। वेट अ मिनट, कहाँ है वो, कहाँ है? ओके कोई नहीं गाइस, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे नहीं लगा था कि इतना अंधेरा होगा। वेट अ मिनट, मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ओके हियर यू गो। अब मुझे बहुत, ए ये बच्चे, ये भाई 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 भाई, ये यार वो बच्चा मेरे को मारने आ रहा था, ये तुम्हारे बच्चे की गलती है यार, यार भाई बुरा लगता है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ओ उधर से भी आ रहे दो दो इंचेंटेड वाले, मुझे जल्दी तोड़ के घुस जाना होगा। अंदर भी है यार, इसको किल करो, इसको किल करना पड़ेगा। ओ शेट, अब ये पूरा खानदान इनका मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा रहने वाला है। भाई उल्टी हो रही है तेरे को, क्या दिक्कत क्या है? एक काम करो इसको तोड़ो, इधर आओ, ओए इधर आओ, हाँ इधर आओ। ओ बच्चे तूने भड़काया ना, ओए ये ले, अब सबके सब मरोगे तुम लोग, सबके सब, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, यू नो। ये बच्चा कैसे कूद गया यार, ओए बाहर वाला गेट खुल रहा है, देख रहे हो गाइस, बच्चे को भेजा के जाओ तुम, गेट खोलो हम अंदर आके मारेंगे, कितने टैलेंटेड लोग हैं ये लोग यार। से भी आवाज आ रही, ओके इधर तो कोई नहीं है, बट मैं एक पल के लिए इसको लॉक कर लूं। यार नेदर में गोल्ड लेके आना पाप है क्या, गोल्ड पहन के नहीं आना था क्या? लिटरली आई एम कंफ्यूज्ड। ओके अब आ जाओ, कौन है वो भाई, वो पिग वाला वापस से, ओ भाई सब जगह पिग वाले ही हैं, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। ओ इनकी आवाज़ बहुत गंदी है। ओए ए ए ए भाई 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 भाई, भड़क गए। चल 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 चल, घुस गया मैं। क्या बे दिक्कत क्या तेरे को है, दिक्कत क्या है? एक मिनट, मेरा दोस्त बनेगा क्या? वेट, क्या मैं इसको ये दूँ तो ये मेरा दोस्त बनेगा? हेलो, ओ वापस दे दिया। हेलो ये लोग है क्या, ये कैन वी बी फ्रेंड? वाओ लगता तो है। ओए ओ ओ ये ट्रेडिंग कर रहा है, अगर मैं इसको गोल्ड दे रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्रिंग्स दे रहा है। इतनी गंदी ट्रेडिंग करता है कोई? नहीं इतनी गंदी ट्रेडिंग करता है कोई? नहीं तू बता, करता है कोई? नहीं बता तू मेरे को, ये दूरी खा रहा है कि मारेगा भाई मेरे को, भाई तू ऐसे में मरेगा। इस बस आज के लिए इतना ही, जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नेदर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, और ये छुटंकी मर जा, रुको मेरे को इसको मारने दो यार। आए नहीं, ये छुटंकी मार देगा मुझे, हट, ओए मार दिया। ये कहना था कि भाई नेदर बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइप वाला हेल भी बन चुका है ये। अब मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ जब वापस से बीस्ट बॉय शुभ नेदर में जाते हैं। यार पहले उनका हालत इतना बुरा था, अभी जाने के बाद क्या होने वाला है। जो भी हो आज के लिए इतना ही था वीडियो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग अपना नेदर एक्सप्लोर करेंगे। और ओए तुम्हारे भाई बंधु ने मेरे को बहुत मारा, चलो मेरे हाथों मर जा, मर जा मेरे हाथों, मर जा, तुम्हारे भाई बंधुओं का बदला मैं तुम्हें मार के लेने वाला हूँ। ये इसको कहते हैं डरपोक।